नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप भी WhatsApp चलाते हैं, अगर आप भी अपने फ़ोन के अंदर WhatsApp यूज़ करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप एक ही फ़ोन के अंदर दो WhatsApp एप्लीकेशन चला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चाहे आपके पास ओप्पो का फ़ोन हो, चाहे आपके पास वीवो का फ़ोन हो, चाहे आपके पास सैमसंग हो, चाहे जियोनी हो, चाहे कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन हो, कोई सा भी फ़ोन हो, आप एक ही फ़ोन के अंदर दो व्हाट्सएप एप्लीकेशन चला सकते हैं। एक तो आप खुद का एप्लीकेशन चला सकते हैं व्हाट्सएप का, और साथ में ही आप किसी और दूसरे का, जो आपका फ्रेंड है, रिलेटिव है, सिस्टर है, भाई बहन है, बंधु है, जो भी है, आप किसी दूसरे का भी व्हाट्सएप चलाते हैं। यानी कि एक फ़ोन के अंदर आप दो व्हाट्सएप एप्लीकेशन चला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप ही एप्लीकेशन ही नहीं, व्हाट्सएप के अलावा आप दो फेसबुक चला सकते हैं, दो आप इंस्टाग्राम चला सकते हैं, दो ट्विटर एप्लीकेशन चला सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी एप्लीकेशन का ड्यूल स्पेस कर सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन को डुप्लीकेट करके चला सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी ट्रिक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं, आपको बताता हूं। तो चलिए दोस्तों, बता देते हैं, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट और आपको बता देते हैं कि किस तरह से आप एक ही फ़ोन के अंदर दो व्हाट्सएप एप्लीकेशन चला सकते हैं। दो व्हाट्सएप ही नहीं दोस्तों, कैसे आप दो इंस्टाग्राम चला सकते हैं, दो फेसबुक चला सकते हैं, इसी तरह से और भी जो है आप किसी भी एप्लीकेशन का ड्यूल बना सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन को डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आपको बताने चाहता हूं, आपके रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो वीडियो आप देख रहे हैं उस पर यहाँ पे लाइक वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को यहाँ पे जो है वीडियो को लाइक कर देना है। आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को यहाँ पे रेड कलर के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और नीचे यहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन और यहाँ पे आपको एक कमेंट डालना है व्हाट्सएप। ठीक है दोस्तों, बस आपको इतना सा काम जो है कर देना है। अब चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करना, आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप ऐसा कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको गूगल प्ले स्टोर पे आना है। दोस्तों, गूगल प्ले स्टोर पे आने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन सर्च करना है जिसका नाम है ड्यूल स्पेस। तो ड्यूल स्पेस एप्लीकेशन को जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक एप्लीकेशन आ गया, ड्यूल स्पेस मल्टीपल अकाउंट्स एंड एप्लीकेशन क्लोनर। यानी कि किसी भी एप्लीकेशन का जो है मल्टीपल अकाउंट्स आप कर सकते हो, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, जिस भी एप्लीकेशन का आप, किसी भी एप्लीकेशन का ड्यूल करना है तो किसी भी एप्लीकेशन को आप डुप्लीकेट कर सकते हो आसानी से। एप्लीकेशन के 100 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है। 4.2 की शानदार स्टार्ट रेटिंग है। एप्लीकेशन को आपको सिंपली आपने एंड्रॉइड फोन के अंदर डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद सिंपली यहाँ पे ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे दोस्तों प्लस वाला एक आइकन यहाँ पे दिया हुआ है, प्लस वाले आइकन पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको वो एप्लीकेशन चूज कर लेना है जिस एप्लीकेशन को आपको ड्यूल करना है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने व्हाट्सएप एंड फेसबुक चूज किया हुआ है। यहाँ पे इंस्टाग्राम भी है, फ्लिपकार्ट भी है, ओला एप्लीकेशन भी है, बूमरैंग भी है, अमेजन एप्लीकेशन भी है, जियो भी है, जियो सिनेमा भी है, फोटोज़ भी है, यूट्यूब है, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है, gaana.com है, जिसका जो है आप ड्यूल बना सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मैंने फेसबुक एंड व्हाट्सएप को जो है लिया हुआ है। अब यहाँ पे फेसबुक एंड व्हाट्सएप को मैंने लिया हुआ है, यहाँ पे मैंने केवल आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। आप कोई भी एप्लीकेशन लेके इसको ड्यूल कर सकते हो, उसका डुप्लीकेट कर सकते हो। अब यहाँ पे ये एप्लीकेशन लेने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको व्हाट्सएप पे क्लिक कर देना है। व्हाट्सएप पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एग्री ऑन कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। एग्री ऑन कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फोन नंबर डाल देना है, जो आपको व्हाट्सएप का जो फोन नंबर है, जो आप फोन नंबर वगैरह यूज कर रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट वाला बटन क्लिक करने के बाद आपका जो है अकाउंट, जहाँ पे व्हाट्सएप का जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से फेसबुक वाले एप्लीकेशन को, जैसे मान लीजिए अगर आपको डुप्लीकेट करना है तो फेसबुक वाले एप्लीकेशन पे आपको एक बार क्लिक कर देना है, और फेसबुक वाले नए जो आप फेसबुक एप्लीकेशन बनाना चाहते हो उस वाले फेसबुक एप्लीकेशन से आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जो है सिंपली आप जो है इजिली फेसबुक एप्लीकेशन को भी आप डुप्लीकेट कर पाओगे। इसी तरह से बहुत सारे आपको एप्लीकेशन नीचे मिल जाते हैं यहाँ पे देखने के लिए, तो आप किसी भी एप्लीकेशन को जो है डुप्लीकेट कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल एप्लीकेशन है, और काफ़ी लोगों ने इसको यूज़ किया हुआ है, एंड्रॉइड अपने एंड्रॉइड फ़ोन के अंदर डाउनलोड किया हुआ है। तो ये एप्लीकेशन आप जरूर ट्राई कीजिए। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं आपसे अगले में, तब तक भी बोलते हैं हर महादेव, शंभु जी भोलेनाथ।